2030 की ये भविष्यवाणियां होंगी सच। साल 2030 का स्वागत तो सभी ने बड़े ही धूमधाम से किया होगा, लेकिन आपको बता दें 2030 को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिनका सच होना एकदम पक्का है। लेकिन वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगी, आइए जानते हैं। अगर हम पहली भविष्यवाणी की बात करें तो सबसे पहले हम 2023 को आपस में जोड़ेंगे, जिससे हमें नंबर 7 मिलेगा। इस नंबर का सीधा सीधा कनेक्शन केतु का होता है। ये ग्रह पूर्वजों और ग्रहों से हमें जोड़ता है। वहीं इस ग्रह को भ्रम पैदा करने वाला भी कहा जाता है। इसी के प्रभाव के चलते 2023 में हार्ट अटैक की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं एक बार फिर से धरती पर संकट के काले बादल छा जाएंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कोरोना काल के दौरान देखने को मिला था। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना भी धरती पर बढ़ते ताप की तेजी की तरह ही बढ़ जाएंगी। ये संभावना 2023 से 2029 तक ठीक ऐसी ही बनी रहेंगी। वहीं कहा जा रहा है कि इस दौरान धरती पर 7 दिनों के लिए घना अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ ही दुनिया में अनाज की कमी हो जाएगी, जिसके चलते लोग भूखमरी से मरने लगेंगे और कोई भी किसी की चाह पर भी मदद नहीं कर पाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, 17 जनवरी 2023 से शनि अपनी राशि बदल लेगा। ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसके चलते कई लोगों के ऊपर से शनि की साढ़े साते खत्म होगी तो कई की शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें, शनि के मीन राशि पर जाने से देश पर संकट आने की भी संभावना है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दुनिया भर में इसी साल से ही युद्ध की तैयारियां भी बढ़ जाएंगी। तीसरी भविष्यवाणी, कहा जा रहा है कि इंसानों को आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर के पत्थर गिरने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की पहाड़ियों पर जाकर गिरेगा, जिसके चलते ओडिशा समुद्र में डूब जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, अनजान जगह और अनजान लोगों के साथ बिजनेस करने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले अपने ज्योतिष की सलाह जरूर लें। पांचवी भविष्यवाणी, इसकी माने तो साइंस और धर्म दोनों ही दुनिया को चौंकाएंगे, क्योंकि आगे चलकर लैब में बच्चे पैदा किए जाएंगे। इसीलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि खासकर युवाओं को नए साल में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अगर किसी की शादी करने की तैयारी है तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। छठी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की माने तो 2023 में 16 सुनामी आ सकती है, जिसके चलते धन जन का भारी नुकसान होगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट होगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही विनाशकारी सौर तूफान आएगा। इस दौरान सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट से निकले खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे, जो अरबों परमाणु बमों जितना विनाशकारी हो सकता है। साल 2023 में धरती पर एक बड़ी खगोलीय घटना होगी। इस घटना के प्रभाव से पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा, जिसका प्रभाव बेहद खतरनाक होगा। बहुत भारी संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि 2023 में कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ये साल कई राशियों के लिए खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आया है। 2023 की माने तो मीन राशि में बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। 2023 की शुरुआत में 140 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ और अहम होंगे। वहीं इस राशि के लोग जहां काम कर रहे हैं वहां पद में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। वहीं वृषभ राशि वाले अगर नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये नया साल आपको सकारात्मक फल देगा और आपके सभी काम बनेंगे। इसके साथ ही मकर राशि वालों के लिए नए साल में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं सिंह राशि वालों के घर नए साल में धन की वर्षा होगी। इसके साथ ही पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने में भी ये साल मददगार रहेगा। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो बता दें, नए साल में उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन फिर समय के साथ आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। इससे जुड़े अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।